brought to you by ITIL. मैं अपनी पार्टी को मना लूंगी कि आपके खिलाफ रोहिणी में कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगे, हम आपके लिए आगे प्रचार करेंगे, ठीक है जी? दिल्ली विधानसभा चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही 21 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा में बीजेपी के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को यहां तक कह दिया कि वो विधानसभा चुनाव में उनकी सीट यानी रोहिणी से उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारेंगी, उल्टा वो खुद बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में प्रचार करने जाएंगी। लेकिन विधानसभा में ऐसा क्या हो गया जो मुख्यमंत्री आतिशी ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना होगा। विजेंद्र गुप्ता जी बार बार कहते हैं, बार बार ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इसलिए हमने हटा दिया। तो विजेंद्र गुप्ता जी, मैं भी मुख्यमंत्री हूं, मैंने बार बार एलजी साहब को कह दिया इनको वापस लगा लो, तो एलजी साहब को कहिए वापस लगा लें। अगर वो इतनी बात मान रहे हैं, मुख्यमंत्री की हर बात सुनते हैं, तो मेरी भी ये बात सुन लें कि तुरंत प्रभाव से इन बस मार्शल्स को वापस लगा लिया जाए। और मैं तो ये भी कहूंगी विजेंद्र गुप्ता जी, मैं तो ये भी कहूंगी आप एलजी साहब से ये साइन करा लीजिए, मैं अपनी पार्टी को मना लूंगी कि आपके खिलाफ रोहिणी में कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगे, हम आपके लिए आगे प्रचार करेंगे, ठीक है जी? क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक सीट मायने नहीं रखती, हमारे लिए इन बस मार्शल्स की नियुक्ति मायने रखती है, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा मायने रखती है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बस मार्शल्स को नियमित करने पर बहस हो रही थी, उसका जवाब दे रही थी। इस बीच उन्होंने नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को ये ऑफर दिया। आपको बताते चले कि विजेंद्र गुप्ता लगातार 2 बार से रोहिणी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। खैर, ये बात तो हो गई नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से मिले ऑफर की। अब आपको उस मुद्दे के बारे में बताते हैं जिसे लेकर नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को ये ऑफर दिया गया है। दरअसल दिल्ली के 10,000 से ज़्यादा बस मार्शल लंबे समय से खुद को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी दलील है कि कुछ महीनों की अस्थायी नौकरी देकर उन्हें चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने फैसला लिया था कि फरवरी तक, जब तक प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, बस मार्शल्स को 4 महीने की अस्थायी नौकरी दी जाएगी। लेकिन मार्शल्स का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर देगी। सर, ये जो 4 महीने का जो रोजगार बता रही है सरकार, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि फरवरी तक पॉल्यूशन ड्यूटी करेंगे, तो ये तो चुनावी स्टैंड है। सीधा सीधा हमें यही मालूम पड़ रहा है कि चुनावी स्टैंड है। पिछले हफ्ते में मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम पक्का रोजगार प्रॉपर पॉलिसी बनाकर भेज देंगे एलजी साहब के पास, उस पर बताएं क्या काम हुआ है मुख्यमंत्री जी से। हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं उनसे, जल्दी से जल्दी जो 3 सदस्यीय टीम गठित करने को कहा था एलजी साहब ने और प्रतिपक्ष नेता जी ने, उस पर काम क्या हुआ है, और हमें बुलाएं और पूर्ण संतुष्टि हमें तभी मिलेगी, तभी हम ये रोजगार करेंगे। और जो सोएबा है, हम मना नहीं कर रहे पॉल्यूशन ड्यूटी करने से, लेकिन जो हम 1 साल से 13 महीने होने जा रहे हैं, 13 महीने बहुत बड़ी बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। और सरकार बिल्कुल इस मुद्दे पे कान में तेल डाल के मतलब गूंगी बहरी हो गई है। मार्शल्स ने अपनी मांगों के लिए मुख्यमंत्री से लेकर उपराज्यपाल तक हर जगह दरवाजा खटखटाया है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। उनका कहना है कि वो अस्थायी नौकरी के नाम पर धोखा नहीं खाएंगे और अपनी मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। आपको याद दिलाते चलें कि इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट पास किया था। इसके बाद आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शल्स की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट पर मंजूरी के लिए दिल्ली के जो LG हैं VK सक्सेना, उनके ऑफिस पहुंची थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर उनको रोका। बीजेपी विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन्हें भागने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि CM आतिशी खुद बीजेपी विधायक की गाड़ी में बैठकर LG हाउस इसलिए गए ताकि बीजेपी विधायकों को भागने का कोई मौका ना मिले। इस घटना का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।
खैर इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी आसिफ असरार ने। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।